अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं महक रुबाब कादरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो जो है बड़ी खास है। आज हम शेयर करने वाले हैं रिश्ता मेकअप ट्यूटोरियल। जी हाँ, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर कोई रिश्ता देखने आए तो किस तरह से तैयार होना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके जनाब, तो सबसे पहले आपने प्राइमर अप्लाई कर लेना है, क्योंकि ओपन पोर्स होते हैं ना तो वो फिर मेकअप से झलकते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। तो प्राइमर अप्लाई कर लेना है जहाँ पर आपकी ओपन पोर्स है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो थोड़ा मॉइस्चराइजर वगैरह भी अप्लाई कर लीजिएगा। फाउंडेशन हमने अप्लाई करना है बिल्कुल सेम टोन का अप्लाई करना है, ना डार्क ना लाइट, और आपको जो है आपकी स्किन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। जैसे मेरी स्किन पर हाइपरपिगमेंटेशन है, एक्नी है, तो मैं जो है दो पंप ले रही हूँ, लेकिन हमें इस तरह से अप्लाई करना है, इस तरह से ब्लेंड करना है कि हमारी स्किन का टेक्स्चर नजर आए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। हमें जो है हैवी फाउंडेशन लुक नहीं करना है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल मेरे स्किन का टेक्सचर भी नज़र आ रहा है और अच्छे से जो है एक फ्रेशनेस वाला लुक भी आ रहा है। तो इस तरह से आपने फाउंडेशन अप्लाई करना है। अगर आपकी स्किन पे कोई दाग धब्बा नहीं है तो आप जो है एक पम्प भी जो है पूरे फेस पर अप्लाई कर सकती हैं। कंसीलर वगैरह हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फाउंडेशन लगा रहे हैं। तो हमें जो है हमारे डार्क सर्कल्स को भी इसी फाउंडेशन से कवर करना है, ताकि जो एक नेचुरल और जो है बिल्कुल बेसिक सा लुक आए, कोई एकदम से ना यू हाई फाई वाला फाउंडेशन वाला और फुल मेकअप ग्लैम वाला लुक ना आए। फेस पाउडर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि फेस पाउडर में कवरेज होती है तो फिर उससे भी जो है बहुत ज़्यादा पाउडरी और जो है केकी फेस लगता है। तो आपने जो है टीएल पाउडर यूज़ करना है। टीएल पाउडर मैंने यूज़ किया है और इसको जो है मैं अच्छे से फेस पे ब्लेंड कर दूंगी, ताकि जो है बिल्कुल मेरे फेस से जो है एक्सेस ऑयल रिड्यूस हो जाए और मेरा जो है नेचुरल टोन वाला ही स्किन लगे। हम जो है ब्लश लगा रहे हैं, कॉन्टोर हमें नहीं करना है। जो हमारे फेस का फैट है, जो हमारे नाक का शेप है, हमें उसी में रहना है। ब्लश हम लगाएंगे प्यारा सा, अच्छा सा, ताकि जो है आप थोड़ा सा फ्रेशनेस और जो है रोज़ी रोज़ी पिंकी पिंकी लगे। तो ब्लश लगाना है और नोज़ की टिप पर भी जो है आपने थोड़ा सा ब्लश लगा लेना है, ताकि आपका जो है फेस हेल्दी हेल्दी और प्यारा प्यारा लगे। ब्राउज़ को जो है पाउडर, ब्राउन पाउडर से जो है जहाँ पर आपके कॉर्नर पर जो है गैप्स हो उसी को सिर्फ फिल करना है, और जो है कोई जेल, ब्राउ का जेल नहीं यूज़ करना है। नॉर्मल जो है आपने पाउडर यूज़ करना है और उसको जो है फिर स्पूली से ब्लेंड कर देना है। आई पर कोई मेकअप नहीं करेंगे सिवाय मस्कारा के। मस्कारा आपने अप्लाई करना है अपनी लोअर लैशेस पर, अपनी जो है अपर लैशेस पर। इतना ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है ताकि आपकी आई का शेप इन्हेंस हो जाए। इसके अलावा आपने आँखों के अंदर कोई वाइट पेंसिल भी नहीं लगानी है। स्किन कलर की पेंसिल आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ वाइट कलर की पेंसिल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। आपने जो है काजल लगाना चाहें तो आप काजल लगा सकती हैं। सिल्वर पाउडर या गोल्डन पाउडर इनर कॉर्नर पर बिल्कुल अप्लाई नहीं कीजिएगा। कोई आपने जो है आंखों को हाईलाइट नहीं करना है, जस्ट मस्कारा अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा हाइलाइटर लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है कि लोगों की जो है आंखें चुनती आ जाए और बोले कि हाय अल्लाह इतना मेकअप। आपने जो है थोड़ा सा नेचुरल हाइलाइटर यूज़ करना है, ताकि आपका फेस जो है ग्लोई लगे और वो जो है पाउडरी और जो है केकी ना लगे। नेचुरल ग्लेम है, बिल्कुल सिंपल सॉफ्ट है, स्किन का टेक्स्चर भी नज़र आ रहा है, हल्के हल्के मेरे जो है पिगमेंटेशन भी नज़र आ रही है। तो इस तरह से आपने जो है अपना फाउंडेशन लगाना है कि आपकी जो है स्किन का टेक्स्चर नुमाया हो। अच्छे से हाइलाइटर लगाना है और नोज़ की जो आपकी बोन है उस पर जो है आपने उंगली की मदद से लेकर थोड़ा सा हाइलाइट करना है, क्योंकि हमने कॉन्टोर वगैरह नहीं किया है। तो थोड़ा सा जो है हाइलाइटर इसे लगा रहे हैं कि फेस जो है उठा उठा लगे, क्योंकि बाद में ये ना कहा जाए ना कि शादी के बाद अगर आपको पसंद कर लिया कि लड़की का तो मुँह इतना मोटा था, देखने गए थे तो हाई कॉन्टोरिंग करके इतना पतला कर दिया था, तो आपने जो है कॉन्टोर करना ही नहीं है। अब बारी आती है लिपस्टिक के। लिपस्टिक के मेरे पास दो शेड है ऑप्शन में। आप ग्लैमरस का प्लम्प लगा सकती हैं, या फिर आप कॉस्मेटिक स्टूडियो का ये नेचुरल जो है न्यूट कलर लगा सकती हैं। मैं ये लगा रही हूँ, इसको आपने अच्छे से अप्लाई करना है। कोई लिप पेंसिल से लाइन नहीं बनानी, डायरेक्टली लिपस्टिक अप्लाई करनी है और थोड़ा सा जो है लिपस्टिक लेके आपने नाक की टिप पर भी जो है ब्लेंड कर देना है, ताकि एक सा फेस लगे। सो ये है बेसिक नेचुरल रिफ्रेशिंग मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि कोई भी अगर आपको देखने आ रहा है तो आप ये कर सकती हैं। इससे आपके जो है फेस के फीचर्स इन्हेंस हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा ग्लैम या कोई जो है कारीगरी नहीं की गई है फेस को बदलने की, छोटा करने की, मोटा करने की। तो जो नेचुरल आपका फेस है वही रहेगा, फ्रेशनेस लगेगी, प्यारा लगेगा। और जो है दूसरा, अरे हाँ एक और बात, अगर आपके फेस पर कोई तिल वगैरह है तो वहाँ से भी जो आप अपना मेकअप हटा लीजिएगा नेचुरली जो तिल है, वरना कहा जाएगा बाद में हाय अल्लाह हमें तो तिल वाली लड़कियाँ कतई जहर लगती थी, मेकअप करके बैठती थी, हमें क्या पता तिल था। तो आपने जो है तिल से मेकअप हटा देना है, ताकि आपके तिल भी जो है नुमाया नजर आए उनको।
सिंपल से कपड़े पहनने हैं, ज़्यादा कोई हैवी ग्लैमरस भरे भरे नहीं पहनने हैं। बाल मैंने जो है सिंपल पोनीटेल बनाया है, आगे से लटों को थोड़ा सा कर्ल किया है ताकि जो है लड़के वालों को ये ना लगे कि लड़की की लटे सीधी है, तो इसमें थोड़ी अकड़ होगी। आपने जो है थोड़ी सी लटे कर्ल कर लेनी है ताकि जो है फ्लेक्सीबिलिटी नज़र आए आप में। और दूसरा ये कि दुपट्टा ओढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, दुपट्टा ओढ़ के और ज़्यादा प्यारी लगेंगी। मोहब्बत से प्यार से पेश आना है बस, और क्या करना है, प्यार की बोली बोलेंगे तो प्यारी लगेंगी। और बस यही था ट्यूटोरियल में, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। दैट्स माय ग्रुप, आपका 3 सिंगल ऑफ 3 ऑल, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।